हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में थोड़ा ब्लॉग्स के अंदर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, यामा कंपनी एक कम्यूनिटर बाइक लॉन्च करने जा रही है, जो कि आपको 125 cc सेगमेंट में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। अब इस बाइक में आपको यामा की तरफ से कौन कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं, साथ ही क्या प्राइस रखने वाली है कंपनी, इसी के साथ में कब तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा इंडियन मार्केट के अंदर, सारी बातें अपन वीडियो में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लुक्स के बारे में बात करते हैं। तो लुक्स का मैंने आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि कम्यूनिटर सेगमेंट में लॉन्च हो रही है, जो नॉर्मल सा आपको कम्यूनिटर बाइक देखने को मिलते हैं वैसा ही आपको इसमें भी लुक देखने को मिल जाएगा नॉर्मल सा। बाकी बात आती है लाइटिंग सेटअप के बारे में, तो फ्रंट में आपको हेलोजन हेडलाइट देखने को मिलेगी, रियर में आपको टेललाइट हेलोजन में मिल जाएगी, इंडिकेटर भी आपको हेलोजन में मिल जाएंगे, ओवरऑल पूरा लाइटिंग सेटअप आपको हेलोजन के अंदर देखने को मिलेगा। बात आती है इसके इंजन के बारे में, तो इसमें आपको 125 cc का एयर कूलिंग इंजन देखने को मिलेगा, जिसकी पावर आपको 11.2 bhp तक की देखने को मिल जाएगी। बात आती है दोस्तों इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो इस बाइक में आपको CBS देखने को मिल जाएगा, यानी कि दोस्तों कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। इसके अलावा आपको सेफ्टी वाइज साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिलेगा। बात आती है इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो इस बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर तो देखने को मिलेगा, लेकिन भाई इसमें आपको कोई भी GPS वगैरह या दोस्तों ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पे दोस्तों ये बाइक आपको 5-speed गियरबॉक्स के साथ में मिलने वाली है, जिसमें आपको 55 से लेके 60 km तक का माइलेज देखने को मिल जाएगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको 11 लीटर यानी 11 लीटर की देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों बात आती है इसके सस्पेंशन के बारे में, तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क का और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। वहीं पे दोस्तों USB चार्जिंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज कर पाओगे। बात आती है दोस्तों इसके लॉन्च डेट और प्राइसिंग के बारे में, तो इस बाइक का आपको स्टार्टिंग प्राइस 1,05,000 रुपये से लेके 1,15,000 रुपये के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों इस बाइक का ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। वहीं पर दोस्तों बात आती है इसके लॉन्च डेट के बारे में, तो इस बाइक को दोस्तों 2025 के स्टार्टिंग में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। तो आपकी क्या राय, इस बाइक को लेकर इसे लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए।